नमस्कार, स्वागत है जनता जनार्दन में। और मौजूद है इस वक्त हम देवली विधानसभा में, और हमारे साथ मौजूद है वार्ड 78 से माया सिंह बिश जी। और आज एक दुखद घटना में पहले थोड़ा सा उसके ऊपर प्रकाश डालना चाहूंगा कि जी यहाँ पर एल ब्लॉक में कानूनी कार्रवाई के तहत काफी सारे जो अवैध मकान, जिसको आप कह सकते हैं कि डीएम के ऑर्डर और किस प्रकार से था, वो पीछे क्या कुछ कार्रवाई हुई है, कार्रवाई के पीछे कितनी कहानी है, क्या कुछ विचारधाराएं रही है सरकार की इस विषय के ऊपर। निगम पार्षदा माया बिश जी हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं के वार्ड में वो घटना घटी और विस्तार में जानेंगे क्या कुछ वो जमीन का मुद्दा रहा है किस तरीके से। माया जी स्वागत है। जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आज जो घटना हुई है वो किस तरीके से, पहले मैं थोड़ा सा आपको जानकारी में। जी जरूर है मेरी जानकारी में। और ये कोर्ट का ऑर्डर लॉकडाउन से पहले हो गया था। कोर्ट के ऑर्डर से ये जो भी मकान टूटे हैं, जो भी ये डीएम के ऑर्डर से जो एक्शन हुआ है, डीएम ने किया है, तो ये कोर्ट के ऑर्डर से हुए। और ये टोटली ग्राम सभा की जमीन थी, सरकारी जमीन पे भूमाफियाओं ने सस्ती जमीनें घेर घेर के प्लॉट बना बना के, बाउंड्री बना बना के गरीब लोगों को बेच दिया। आज वो तो बेच के चला गया, लेकिन मरा कौन? वो गरीब व्यक्ति जिसने अपनी रोजी रोटी में से बचा बचा के, बच्चों का पेट काट काट के थोड़े बहुत जो पैसे बचाए थे, उन पैसों से वो जमीन खरीदी थी। आज उन लोगों के लिए परेशानी हो रही है, दुख हो रहा है कि उन लोगों को, गरीबों का नुकसान हुआ है। ऐसा पहले ही रोका जाना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन मैं तो मानती हूँ कि उन लोगों की भी गलती है, क्योंकि जब आपको पता है संगम विहार के अंदर 25,000-30,000 रुपए गज का रेट चल रहा है, आपको कोई आपको वहाँ पे 2,500-3,000 रुपए 5,000 रुपए में दे रहा है, तो जरूर 100% पता है कि भाई सामने दिखाई दे रहा है कि उस जमीन में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। और ग्राम सभा की जमीन है और आप उसको खरीद रहे हो, ये कहीं ना कहीं आपकी भी गलती थी, जिसका खामियाजा आज आपको भुगतना पड़ रहा है। और ये ग्राम तो प्योर ग्राम सभा की जमीन है, और ग्राम सभा के अंदर तो आपको पता है आज नहीं तो कल सरकार अपनी जमीन खाली करवाएगी ही करवाएगी। मैंने आज इसी कड़ी में सवाल मैंने पूछा था, और लोगों को मैंने यही सवाल किया था कि जब इंसान घर लेता है, दुकान लेता है, मकान लेता है, या किसी भी प्रकार से सेंसिटिव मुद्दे पे जब पैसा लगाता है, यानी कि लंबे अरसे तक वो देखता है, तो वो तर्जमा करता है, कहीं ना कहीं वेरिफिकेशन करता है, कहीं ना कहीं चीजों को पूछताछ करता है कि क्या ये जमीन मैं ले रहा हूँ या ले रही हूँ वो ठीक है। तो लोगों के पास इस कड़ी में जवाब बिल्कुल नहीं था। लोग कह रहे हैं कि हमें तो ठगा गया, हमें तो ऐसे बेचा गया, जैसे आप कह रहे हैं कि 25,000 गज वाली जमीन अगर उसको 5,000 में मिल रही है तो आपको सोचना चाहिए। बहरहाल सरकारी जमीन की बात करते हैं, कितने उसको कैटेगरी की गई? देखिए ये जो जगह है, झोड़ था यहाँ पे, पहले नाला होता था, पहले जो यहाँ पे सारा बरसाती नाला होता था, झोड़ की जगह थी और ये ग्राम सभा के अंडर थी। और यहाँ पे जब नालियां बन गई, पानी जाना बंद हो गया, लोगों ने प्लॉट काट काट के बेचने शुरू कर दिए। ये भूमाफियाओं का काम है, मैं इसमें किसी एक पर्टिकुलर या किसी गरीब व्यक्ति का नहीं है, स्वार्थी लोग थे जिन्हें पता था ये ग्राम सभा की जगह है, फिर भी उन्होंने, अब गरीबों को मैं ये भी नहीं कह सकती कि उनकी गलती, बहुत ज्यादा गलती है, आपको पहले से पता था। और ये आज नहीं, कई बार ये तोड़ा गया है, आज से पहले भी, 2 साल पहले भी इस पे एक्शन हुआ था, सरिता जी के टाइम पे भी इस पे एक्शन हुआ था, और ये डीएम के ऑर्डर से हुआ था। और आज तो जब ये नहीं हुआ तो वहाँ के लोग, जो क्षेत्र के लोग थे, आरडब्ल्यूएस से कुछ संस्थाएं थी, जो कोर्ट चली गई थी कि भाई अगर हमारे क्षेत्र के अंदर ग्राम सभा बचेगी नहीं तो हम हॉस्पिटल्स कहाँ से देंगे, जनता को इतनी बड़ी आबादी यहाँ पे हो गई है, हम जनता को हॉस्पिटल्स कहाँ से देंगे, हम पब्लिक बच्चों के लिए पार्क कहाँ से देंगे, हम यहाँ डिस्पेंसरीज कहाँ से देंगे। हमारे, आपने देखा होगा बांध रोड पे कितना बड़ा इशू है, कूड़ा तक की जगह नहीं है हमारे पास। अगर इस तरीके से भूमाफिया ग्राम सभाओं को बेचते रहेंगे तो जनता की सुविधाएं कहाँ से देंगे? जनता माँ कीड़े मकोड़ों की जैसी जिंदगी जी रही है। तो अब जब एमसीडी ने, तो इसमें कोई एमसीडी के अंडर ना जमीन है, ना एमसीडी ने इस पे कोई एक्शन किया है। कुछ लोगों के मेरे पास भी फोन आए थे, कुछ लोग कह रहे हैं कि मैडम जी एमसीडी एक्शन कर रही है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आज सभी क्षेत्रवासियों को, सभी लोगों को बताना चाहूंगी कि एमसीडी का इसमें कोई भी रोल नहीं है। एमसीडी के अधिकार क्षेत्र में भी ये जगह नहीं आती है, ये ग्राम सभा की जगह है, ये विधायक दिल्ली सरकार के अंडर में आती है जो ग्राम सभा लैंड है, और ये एसडीएम के और डीएम के अंडर आती है। और इसमें जो ये अभी एक्शन हुआ है, ये एक्शन दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर से हुआ है, हाईकोर्ट ने इसमें ऑर्डर किया है, और ये पहले भी हाईकोर्ट कई बार इसके लिए ऑर्डर दे चुकी है, ये टलता जा रहा था, बीच में कई मकान टूटे भी थे पीछे,
लेकिन आज हाईकोर्ट ने स्ट्रिक्ट ऑर्डर किए थे और ये लॉकडाउन से पहले ऑर्डर हो चुके थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये एक्शन नहीं हो पाया जो आज एक्शन हुआ है। मुझे बहुत दुख है, इसमें गरीब लोग फंसा है, गरीब लोग परेशान हुआ, गरीबों के मकान टूटे हैं, इसके लिए मैं खेद व्यक्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि आगे भविष्य में इस तरह की गलती कोई भी गरीब व्यक्ति, आप लोग सोच समझ के किसी भी ग्राम सभा की ऐसी सस्ती जमीन के चक्कर में अपनी जमा पूंजी, अपने जीवन भर की कमाई को ना वेस्ट करें और ना ही आप इस तरीके के किसी बुलावे में आए ताकि आप लोगों का नुकसान ना हो। क्योंकि जो भूमाफिया जिससे आपने खरीदी थी जमीन वो तो बेच के चला गया, उसने तो आपसे पैसे कमा लिया, लेकिन आज परेशान कौन है? आप लोग, जिन लोगों ने अपनी जमा पूंजी वहां लगाई थी। तो इस तरीके से आगे किसी और के साथ ना हो, यही कहूंगी कि आप सावधान रहें, अपनी जमा पूंजी जहां आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं, उस प्रॉपर्टी के बारे में अच्छे से छानबीन कर लें, तभी खरीदें। मैं इसमें और थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा, जैसे ही बीजेपी के माध्यम से आपने काफी मुहिम भी चलाई थी उस टाइम पे, जो रजिस्ट्रेशन की बात करें जमीन की, खासकर संगम विहार में अभी वो सुविधा भी उपलब्ध है, और जो आपने अभी आगाह किया लोगों को, अगर बात करते हैं तो मेरे ख्याल से और भी आगे आने वाले दिनों में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप डायरेक्ट डीडीए के ऑफिस में या ऐसे लैंड कहाँ पे किस तरीके से जमीन है वो पता कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, नहीं चाहें सस्ते ऑनलाइन है जी, सब कुछ ऑनलाइन है, आप ऑनलाइन पता कर सकते हैं। आइडेंटिफाई जगह है, मेरे वार्ड में तो आइडेंटिफाई जगह है कि भाई ये ग्राम सभा है और ये एक्चुअल जमीन है, ये सबको पता है और इस एरिया में रहने वाले हर व्यक्ति को पता है कि ये जो नाले, सनी बाजार नाले की जगह थी, ये ग्राम सभा लैंड थी, फिर भी लोगों ने खरीदा, ये सरासर भूमाफियाओं की गलती और जिन्होंने ये खरीदी है जमीन उनकी गलती थी जिसका खामियाजा मुझे बहुत दुख है। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि गरीब व्यक्ति बहुत मुश्किल से पैसा जोड़ता है, बहुत मुश्किल से कमाता है, तो दुख है उन लोगों के जिनके घर टूटे हैं, लेकिन आगे भविष्य में ऐसी गलती ना करें, यही अपील करूंगी। ये तो मैम ने बता दिया है और आगाह भी कर दिया है और ये हकीकत भी है, आप लोग जरूर इस चीज का ध्यान दें और जमीन और घर लेने से पहले, खासकर संगम विहार जैसे क्षेत्र में अगर आप लेते हैं तो माया बीज जैसे जो कि यहाँ पे निगम पार्षद है इनसे भी बात कर सकते हैं, कम से कम पता कर सकते हैं अपने लोकल जहाँ पर आप ले रहे हैं, इर्द गिर्द अड़ोस पड़ोस चकबंदी में जाकर पता कर सकते हैं, तहसील में जाके डीएम में, सब कई से कई तरीके हैं आप पता कर सकते हैं, ऑनलाइन भी पता कर सकते हैं। मगर चलिए आगे इस बात को आगे बढ़ाता हूँ मैं थोड़ा सा मैम, जब जैसे बार बार कह रही हैं कि ये ग्राम सभा की जमीन यहाँ पर पार्क और हॉस्पिटल इस तरीके से कुछ बनाया जा सकता है, तो क्या मैम आपके वार्ड में है, क्या आने वाले दिनों में जनता उम्मीद करेगी कि ये जो खाली प्लॉट है, बहुत बड़ा लैंड है वो मैंने देखा है, क्या वहाँ पर स्कूल पार्क या ऐसे कुछ हॉस्पिटल या किसी भी तरीके से सरकारी साधन से कुछ बनाया जा सकता है, क्या उम्मीद है? देखिए मैं तो, हम लोग चाहेंगे क्षेत्रवासियों के लिए यहाँ पे सुविधाएं हो और जिन लोगों के यहाँ घर टूटे हैं सबसे पहले तो मैं चाहूंगी उन लोगों को, उन लोगों का ये जो भी नुकसान हुआ है उसके लिए वो लोग खुद भी जिम्मेवार हैं और थोड़ा सा उन लोगों का भगवान साथ दे और जल्दी उस दुख से वो उभरे। साथ ही मैं बताना चाहूंगी, ग्राम सभा के अंदर मैंने स्कूल के लिए जगह मांगी थी, मैंने पार्क के लिए जगह मांगी थी, मैंने कूड़ेदान के लिए जगह मांगी थी, मैंने बारात घर के लिए जगह मांगी थी डीएम साहब के पास। मैं पूरे 3 साल से ये प्रोग्राम चला रही हूँ, लेटर भेज रही हूँ, तो हमारे पास कोई जगह ऐसी थी नहीं जो हम लोगों को मिल सके और अब हम कोशिश करेंगे जैसे ये होता है। क्या ये फाइनल मानेंगे जो मार्केट में? नहीं, अभी कोई फाइनल नहीं है, हो सकता है कुछ इनको रियायत मिले या कुछ ना कुछ, सरकार देखिए गरीबों को, गरीबों के साथ हुआ तो गलत है, इन लोगों को या तो पहले ही बसने नहीं देना चाहिए था। ये ग्राम सभा की जमीन जो एसडीएम और डीएम वगैरह है जिनके अंडर ये जमीन आती है, उनकी भी जिम्मेवारी बनती थी कि ये जमीन के अंदर वो अपनी जमीन की रखवाली नहीं कर पाए, बाउंड्री तो कर ले, बाउंड्री कर ले, अपनी जमीन की सुरक्षा करे। अगर बाउंड्री होती, वहां बोर्ड लगा होता, शायद जनता डर के मारे नहीं खरीदती, कहीं ना कहीं उनकी भी गलती है, आज जनता इसका खामियाजा भुगतनी पड़ रही है। तो मैं आज हमेशा एक ही चीज कहना चाहूंगी कि जिस जमीन को बिकवाया उस जमीन पे घर बने, तब तक ये कहाँ सो रखी थी दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार के अंदर सीधे सीधे दिल्ली सरकार के अंदर ये ग्राम सभा की जो लैंड है वो आती है। तो ये इस तरीके से गरीबों को पहले बसाया, आज उनको उजाड़ा, तो ये नहीं होना चाहिए था, इसको पहले ही रोका जा सकता था जो नहीं रोका गया। तो माया सिंह बिष्ट के माध्यम से आप
एक खास कार्यक्रम नहीं, बिल्कुल विस्तृत जानकारी के साथ आपको पता चल गया होगा कि आज एल ब्लॉक का देवली विधानसभा संगम बिहार के अंतर्गत जो डेमोलेशन हुआ है वो डीएम के ऑर्डर के अंतर्गत हुआ है और कोर्ट के ऑर्डर से भी हुआ है। तो पूरे सरकारी प्रकरण से ये कार्रवाई हुई है, तो इसमें एमसीडी का कोई रोल नहीं है, जमीन भी नहीं है, ना कोई इसमें बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो आप इस चीज को समझ लें और आने वाले दिनों में कोशिश की जाएगी, जमीन के ऊपर हम बात करेंगे जरूर डीएम से, वो किसी भी प्रकार से इसको कुछ बनाया जाए। इस मैडम भी कह रही है कि आने वाले दिनों हम भी कोशिश करेंगे, जमीन हम मांगते रहते हैं ग्राम सभा की कुछ बनाने के लिए, अगर क्या पता पारित हो कुछ अच्छा भी हो सकता है इस जमीन पर। बहरहाल आप जनता जनार्दन के माध्यम से जुड़े रहिए, फिर इसी अपडेट के साथ कुछ और नए अपडेट इस जमीन को लेकर अगर कुछ होता है कुछ सरकार की तरफ से, दिल्ली सरकार, मैडम रिपोर्ट क्लोज करने से पहले मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा, दिल्ली सरकार की तरफ से कुछ हो सकता है क्या ये लोगों का जो टूटा फूटा है? देखिए ये तो दिल्ली सरकार ही बता सकती है, हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। और मेरे हिसाब से जब दिल्ली सरकार ने इन लोगों को ग्राम सभा में इतने सालों से, आज से नहीं है, वो 96 से वहाँ पे लोग रह रहे हैं, आपने देखा आपके माध्यम से आपके चैनल एक पॉइंट और भी मैडम ने सही बोला है, एकदम करेक्ट बोला है कि अगर डीडीए की लैंड है, ग्राम सभा की जमीन है, सरकारी तंत्र में जो जमीन आती है उसको मार्केशन क्यों नहीं की जाती है, ताकि जनता को तो भी तो पता चले कि हमारा एरिया कहाँ तक है और सरकार का एरिया कहाँ तक है। और भूमाफिया भी तकरीबन इसको जो गच्चा मारकर अवैध तरीके से कब्जा कर लेते हैं, कम से कम इर्द गिर्द लोगों को तो पता चलेगा कि ये सरकारी जमीन है, ये एक बहुत बड़ी कमी है। शायद इस संदर्भ में किसी और बड़े अधिकारी के साथ हम जरूर बात करेंगे जिस दिन मौका मिलेगा। बहरहाल आप देख रहे थे जनता जनार्दन, जुड़े रहिए, मिलेंगे फिर नए अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।